बिहार में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इस बार 70,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने इस बाबत हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि कक्षा 6 से 12 तक की वैकेंसी इस सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए बहाली 15 दिनों के अंदर निकाली जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार खाली पदों की गिनती कर सामान्य विभाग के माध्यम से बीपीएससी को भेज देगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक सप्ताह पहले ही समीक्षा कर खाली पदों को फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। बिहार शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 11 और 12 के लिए 18,830 पदों पर बहाली निकलेगी, तो 9 से 10 के लिए 18,880 पद, तो 6 से 8 के लिए 31,980 पदों पर नियुक्ति होगी। नीतीश कैबिनेट ने भी इन पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दिया है। माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों में ही बीपीएससी बहाली संबंधित विज्ञापन निकाल देगा। बता दें कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा ली गई है। चर्चा है कि 15-16 अक्टूबर तक बीपीएससी रिजल्ट जारी कर देगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सबसे पहले 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद 9-10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा और सबसे अंत में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। माना जा रहा है कि जो पोस्ट नहीं भरे जा सकेंगे वो दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। दरअसल प्रथम चरण में 11-12 में लगभग 97,000 रिक्ति थी, जबकि इसमें आवेदक 42,000 है। तानी सभी पदे नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जोड़ दिए जाएंगे। बिहार में एक बार फिर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इस बार 70,000 से अधिक पदों पर बहाली की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने इस बाबत हरी झंडी दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 6 से 12वीं तक की वैकेंसी इस सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए बहाली 15 दिनों के अंदर निकाल दी जाएगी। तो एक बार फिर शिक्षकों की बंपर वैकेंसी बिहार में निकलने वाली है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।